तो हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा लवर बॉय एडिटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी वैलेंटाइन डे स्पेशल की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकती हैं। और मेरे को अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड वहाँ पे जाके मेरे को एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं लेटेस्ट फोटो एडिटिंग डालता रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक डालता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो। तो फ्रेंड हम सबसे पहले आ जाएंगे पिक्सार्ट में। पिक्सार्ट में अपनी फोटो को कुछ ओपन कर लेना इस तरीके से। और हम सबसे पहले हम अपने यहाँ पर एक पीएनजी लगाऊंगा। जितने भी पीएनजी यहाँ पे मैं यूज हुआ वो आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपसे ये पीएनजी डाउनलोड ना हो तो फ्रेंड मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही वीडियो बना रखी है, प्लीज़ वो वाली वीडियो जाके जरूर से एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है ये डाउनलोड स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने रोज़ को कुछ यहाँ पे कर लूँगा और उसको इरेज कर देंगे यहाँ पे जाके। आपको इरेज करना है तो पहले मैं यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ साइज़ की और हार्डनेस की सेटिंग कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ से मैं हम जो भी पार्ट है उसको इरेज कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इरेज कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है, सिर्फ फिंगर के ऊपर से और कुछ इस तरीके से पॉज देना, ओके। यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, उसके बाद यहाँ से हम इसे डन कर देंगे और क्लिक की ऑपेसिटी बढ़ा देंगे और यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। आगे के फ्रेंड कितना अच्छा रियल लग रहा है कि आपने ये असली में हाथ में पकड़ा हुआ है ये रोज़। और यहाँ से हम फिर से आएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद इसके बाद जो भी जितनी पीएनजी में यूज़ कर रहा हूँ आपको पता ही है कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अभी साइज़ को, इसके किस तरीके से लगाना है ये हमारे अपने पिक के ऊपर हम कुछ इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो भी बड़े बड़े रोज आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े फूल हम इसको इरेज कर लेंगे यहाँ से जाके साइज़ को हार्डनेस को बढ़ा के, ठीक है। जैसे ये फूल आ रहा है मेरे मुंह पे, जैसे ये भी आ रहा है, ये सब मैं इरेज कर लूँगा जल्दी जल्दी। जितने बड़े बड़े फूल हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, जैसे जितने बड़े बड़े हैं हम इसको इरेज करके यहाँ से कर देंगे इसे डन। अब उसके बाद हम जाएंगे फिर दोबारा ऐड फोटो में। अब ये वाला कुछ बढ़ जाए इसको हम थोड़ा सा साइडों में एडजस्ट करके लगा देंगे, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी लगा लेता हूँ, सिर्फ साइडों में से ऐसे लगना चाहिए कि बिल्कुल रोज के कुछ इफेक्ट्स अलग से आ रहे हैं, जैसे एक इफेक्ट होता है वैसे ही वैसे लगा उस तरीके से लगाएंगे। थोड़ा ब्लर है, जल्दी लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, एडजस्ट करने में इसमें टाइम लग रहा है, किस हिसाब से कर दूँ थोड़ा सा सही लगे। तो एटलीस्ट मैं इसको दोबारा से एडजस्ट करता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ऐसे करके ले ऐसे ले जाऊँगा और अब इस तरीके से लगाएंगे। अब थोड़ा बहुत सही लग रहा है ये ऐसे, हाँ सेंटर वाले को मिटा दूंगा और यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। अब इसके मैं एक टेस्ट पीएनजी इसमें ऐड कर लेता हूँ ताकि जिससे हमारी पिक बहुत ही अच्छी लगेगी। अब इसमें मैं टेस्ट पीएनजी कर लूँगा ऐड, यहाँ पे जाएंगे और अपना टेस्ट पीएनजी ऐड कर दूंगा इसमें। तो आपको पता ही ये भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको हमने टेस्ट पीएनजी को लगा लेना है इस पिक में अपनी, और उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे साइड में जाकर डन। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से डन करने के बाद, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ड्रॉ में। ड्रॉ में आने के बाद यहाँ पे अपने ड्रॉ में ओपन हो गया, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव इमेज कर देंगे। सेव इमेज के बाद हमें जाना है तो हम उसके बाद जाएंगे हम लाइट रूम में, ठीक है। यहाँ पे हमारी पिक को सेव होने दें, पिक सेव हो गया। उसके बाद चलते हैं लाइट रूम में। लाइट रूम में आने के बाद आपको क्या करना है, अपनी पिक को रीटचिंग करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीटचिंग। तो यहाँ पर मैं जो प्रीसेट यूज़ करूँगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से मैं ये वाला प्रीसेट ऐड कर देता हूँ उसमें। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से एडिट हो चुका है। अब जो भी थोड़ी बहुत कलर कलेक्शन रहेगी इसमें वो भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। वाइब्रेंस को बढ़ा दूंगा, सैचुरेशन को कम, और यहाँ से ब्लू कलर की ह्यू को बढ़ा के और यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा के और थोड़े ह्यू को कम कर दूंगा। और यहाँ से जो स्काई ब्लू कलर है उसकी सैचुरेशन कम करके और ल्यूमिनस बढ़ा दूंगा। बाकी इन सब की थोड़ी सी जैसे जैसे इनकी सेटिंग थोड़ी ल्यूमिनस बढ़ा दूंगा। और उसके बाद रेड कलर की थोड़ी सैचुरेशन बढ़ा के और ल्यूमिनस बढ़ा देंगे ताकि रोज़ थोड़े अच्छे लगे। और फेस कलर तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसको थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा के थोड़ा सा बस इसको ऐसे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ से डन। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे क्लेरिटी को कर लेंगे अपना 10% और डीएच को कर लेंगे 10%, वाइब्रेंस को कम कर लेंगे, उसके बाद मेन पॉइंट को कम कर लेंगे थोड़ा सा और फेदर बढ़ा देंगे यहाँ से इतना। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, देखिए शार्पन बहुत ज़्यादा है, इसको हम रख लेंगे 25, ठीक है। तो मैं इसको 25 के करीब रख लेता हूँ। उसके बाद नॉइज एक्शन रख लेंगे हम 70, और उसके बाद कलर नॉइज एक्शन रख लेंगे हम 70, ठीक है फ्रेंड।
तो यहाँ से हम पूरा सब सही लग रहा है। अब हमारी पिक हो चुकी है एकदम अच्छे से एडिट, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, देखिए कितने अच्छे से पिक एडिट हो चुकी है हमारी अब यहाँ पर, वो भी लाइट रूम में। तो एंड मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारी पिक है बिफोर एंड आफ्टर, ऐसे ऐसी फोटो एडिट करिए और मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर टैग कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।